अक्षरवाइज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संयुक्ता जोशी स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य मंत्रा में। स्वास्थ्य मंत्रा में आज हमारे साथ है प्रतीक यादव जी, जो हमें बताएंगे फिटनेस के बारे में। मेरा मानना यह है कि फिटनेस मेंटल होती है और फिजिकल होती है। फिजिकल फिटनेस के लिए आप एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, नींद अच्छी लें, और मेंटल फिटनेस के लिए आप पॉजिटिव थॉट रखें, काम करते रहें, दोनों तरह से फिट रहें। मेरा मंत्र यही है। जो भी आपको पसंद है आप खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। और ये नहीं कि जो आपको पसंद है वो डेली आप, जैसे कुछ लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, बर्गर पसंद है, हफ्ते में एक बार खा लीजिए, मैक्सिमम दो बार खा लीजिए। इतना मत खाइए कि आप बिल्कुल ही अनफिट होते चले जाएँ। रूटीन होनी चाहिए कि आप सुबह उठें, आप पानी बहुत पिएं, एक्सरसाइज करें, फिर नाश्ता कर लें, काम पे अपने चले जाएं, शाम को कुछ वॉक कर लें। दिन में 1 घंटे से 2 घंटे के बीच की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। साथ में आपका जो खाना होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिटनेस मेरे लिए लाइफ स्टाइल है, मैं इसको ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं देखता हूँ। अब एक समय था जबकि मैं सोचता था फिटनेस बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत अग्रेसिवली इसको परस्यू करना चाहिए, लेकिन ये आप जब करना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद में ये ऑटोमेटिक हो जाती है आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। ये सफ़र कुछ 16-17 साल पहले शुरू हुआ। मैं पहले बहुत अनहेल्दी था, दौड़ भाग नहीं पाता था, खेल नहीं पाता था। तो एक कहीं जब स्कूल में 11वीं 12वीं की एक वो उम्र ऐसी होती है जब रियलाइज़ होता है कि आपको जीवन में आगे करना क्या है, दिखना क्या है, किस तरह का जीवन होना चाहिए। उसके बाद में मैंने एक ये छोटी सी जर्नी छोटे से गोल के साथ में शुरू करी कि मुझे थोड़ा वेट कम करना है। फिर ये वहाँ से चलते 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 अब 16-17 साल हो गए और ये जर्नी रुकी नहीं है, अब ये लाइफस्टाइल बन गई है। वहीं से शुरू हुआ तो देखिए अभी भी चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आप छोटे से गोल बना के शुरू कीजिए उस चीज़ को, उसके बाद में वो चलती रहती है अगर आप उसको डिलीजेंटली पैशनेटली फॉलो करेंगे। तो मेरा रोल मॉडल उस ज़माने में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आप कह सकते हैं फिटनेस में। अब जैसे हमारे बॉलीवुड में ऋतिक रोशन है, सलमान खान है, क्योंकि उस समय उम्र भी कम थी और बॉलीवुड का, फिल्मों का फैसिनेशन बहुत ज़्यादा था उस समय। कह सकते हैं कि हाँ, इन्हीं लोग को देखते हुए बड़े हुए थे, क्योंकि तो लगता था कि हमेशा बॉडी बनाओ, ऐसी बनाओ, फिटनेस होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में देखते थे फुटबॉलर्स को, मेसी को, रोनाल्डो को, तो लगता था कि यार फिटनेस में, स्पोर्ट में कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको देख देख के बड़े हुए तो लगता था कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस फील्ड में कुछ किया जाए। यंगस्टर्स में आजकल एक ट्रेंड चला है कि वो फिटनेस को ओवरलुक करके इन्जॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं कहूँगा इन्जॉय करो, लेकिन द प्राइमरी थिंग इज़ योर हेल्थ, योर वेलबींग, योर बॉडी, उसको साथ लेके आप चलो, उसको कभी सैक्रिफाइस मत करो। उसके अलावा जो करना है आप करो। आज के यंगस्टर्स एक तो पार्टी बहुत पसंद करते हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा भाई पार्टी आप करिए, पार्टी के अंदर जो होता है वो लिमिटेड करिए। अब मैं किसी को मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं लिबरल सोच का हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता कुछ भी करने के लिए। आप फिट रहिए, आप काम कीजिए, आप पढ़ने लिखने की एज में तो पढ़ाई अच्छी कीजिए, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। होल सोल लाइफ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप फिटनेस में घुस गए तो केवल फिटनेस कर रहे हैं, आप केवल काम कर रहे हैं डेस्क पर बैठ के तो केवल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होल सोल पैकेज होना चाहिए जहाँ पे आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए, आपका करियर भी होना चाहिए, आपकी फैमिली भी होनी चाहिए, ओवरऑल लाइफ को आप लेके चलें। जस्ट स्टे हैप्पी एंड कीप द पीपल अराउंड यू हैप्पी। थैंक यू। तो ये थे प्रतीक यादव जी, जिन्होंने हमें स्वस्थ रहने की बहुत सारी जानकारी दी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ स्वास्थ्य मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।